please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मध्य प्रदेश में मंदसौर के डिग्री कॉलेज के एक प्रोफेसर के एबीवीपी कार्यकर्ताओं के पैर पकड़कर माफी मांगने का मामला सामने आया है। आरोप है कि डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर डीसी गुप्ता ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं को नारेबाजी से रोका था। इस पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रोफेसर को धमकी दी। इसके बाद प्रोफेसर वहां मौजूद लोगों के पैर पकड़ते दिखे। इस पूरी घटना का एक वीडियो सामने आया है। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। मनोज, ये तस्वीरें हैरान करने वाली है। यहाँ पर एक प्रोफेसर एबीवीपी कार्यकर्ताओं के पैर पकड़ते दिखाई दे रहे हैं। आने वाली बात है, क्योंकि इसमें जो बात वजह समझ में आ रही है कि इतनी माफी मांगी जा रही है प्रोफेसर की तरफ से, क्योंकि ये तमाम जो छात्र हैं वो नारे लगा रहे थे, और जब नारे लगा रहे थे तो उसमें नारे लगाते वक्त प्रोफेसर ने रोका कि अगर आपको इस तरह की कोई भी बात करनी है, नारे लगाने हैं, नेतागिरी करनी है, तो आप कॉलेज परिसर से बाहर जाकर करिए। तो उसके जवाब में इन कार्यकर्ताओं ने प्रोफेसर पर देशद्रोह का आरोप लगा दिया, और उसके बाद कहने लगे कि हम तो भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे, आपने हमें कैसे रोका। बस इसी बात पर सारी कहासुनी हो गई, और प्रोफेसर की ये हालत हो गई कि प्रोफेसर को हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी। और जो वीडियो है वो वायरल है, और वायरल होने के बाद तमाम एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा मौजूद हैं, फोन लाइन पर उनसे बातचीत करते हैं। मिश्रा जी, जो ये तस्वीरें सामने आई है चौंकाने वाली है। यहाँ पर सरेआम एबीवीपी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, क्या कहेंगे आप? देखिए, इस तस्वीर से हमें कोई आश्चर्य इसलिए नहीं है कि इन्हीं एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कुछ सालों पहले उज्जैन यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर की हत्या कर दी थी। तो मध्य प्रदेश में तो शिवराज की सरकार गुंडागर्दी में तब्दील हो चुकी है। सरकार और सरकार में बैठे मातहत संगठन कानून को अपने पॉकेट में रख रहे हैं, क्योंकि सरकार को उनका पूरा संरक्षण प्राप्त है कि आप गुंडागिरी करिए, अपनी राजनीतिक ताकत में इजाफा कीजिए, और सरकार अपनी राजनीतिक ताकत का बेजा इस्तेमाल कर रही है। तो निश्चित तौर पर ऐसी घटनाएं होगी, और मुझे पूरा यकीन है कि ये लोग पूरी तरह पुलिस कार्रवाई से बच जाएंगे, क्योंकि सरकार का इन्हें पूरा संरक्षण है। आप बता रहे हैं कि सरकार का इनको पूरा संरक्षण है, लेकिन हैरत की बात यह है कि इनको नारेबाजी करने से रोका गया, तब इसके बाद इन्होंने धमकी दी और फिर प्रोफेसर जी पैर पकड़ते नजर आए। देखिएगा, कुछ भी स्थितियां हुई हो, प्रोफेसर को पिटाई करने का या कानून को अपने हाथ में अधिकार लेने का अधिकार ना मुझे है, ना इन्हें है, ना किसी और को है। देश में पर्याप्त कानून है, उसके तहत काम करना होगा, और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको सीधे तौर पर चुनौतियां दे रहे हैं। मिश्रा जी, सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब ऐसा माहौल होगा तो फिर अगर हम प्रोफेसर की बात करते हैं तो कैसे पढ़ाई का माहौल बन पाएगा जब प्रोफेसर कार्यकर्ताओं के आगे झुकते नजर आ रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, ये वीडियो क्या संदेश दे रहा है? नहीं, तो उसका कारण भी प्रोफेसरों द्वारा अपने स्टूडेंट के साथ या एबीवीपी के गुंडों के साथ की गई विनम्रता नहीं है। प्रोफेसर को इतने भय के वशीभूत होकर मजबूर कर दिया कि वो प्रोफेसर उनके पैर छूने के लिए बाध्य है, और इसे एक कलयुग ही कहा जाएगा कि जिस देश में हमारे संस्कारों में हम गुरुओं के पैर छूते हैं, वहाँ गुरु गुंडों के पैर छू रहे हैं, जो विद्यार्थियों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, तो वहाँ क्या होगा? यही होना है। तो आप बता रहे हैं कि राजनीति इस पर हो रही है। मिश्रा जी, क्योंकि आप लोग विपक्ष में हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं दोबारा देखने को ना मिले और ऐसे कार्यकर्ताओं को देखने के बाद लोगों का हौसला ना बढ़े, इसको लेकर के क्या कदम उठाने की जरूरत है? देखिए, उसके लिए सरकार को पूरी तरह कदम उठाना है, क्योंकि जब वाहवाही सरकार झूठे विकास कार्यों के लेती है तो इस तरह की गुंडागिरी की जिम्मेदारी भी सरकार को लेना चाहिए। और सरकार चूंकि सरकार है, इसलिए सरकार को कानून का इस्तेमाल पूरी तरह करना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी तो बार बार कहते हैं कि मध्य प्रदेश में कानून का राज है, तो कानून का राज है तो उनके गुंडों के लिए क्यों नहीं है? आम शरीफ व्यक्तियों के लिए ही कानून का राज क्यों बताया जाता है? क्या आप लोग कुछ पहल करेंगे? निश्चित तौर पर ऐसे मुद्दों को अब जनता के बीच ले जाने की जरूरत है, और चूंकि चुनाव है तो इनके चरित्र को जनता के बीच उजागर करना हमारा और जागरूक लोकतंत्र में मीडिया का भी कर्तव्य है। और मैं आपको उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने भी एक बहुत अच्छे धर्म को निभाया है और हमें भी जागृत किया है। बिल्कुल मिश्रा जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सहयोगी मनोज शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए थे। मनोज, इस पर राजनीति तो होगी, और जैसा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सरकार का संरक्षण है, लेकिन ये तस्वीरें वाकई चौंकाने वाली हैं। जो ये कार्यकर्ता हैं, क्या इनकी पहचान हो पाई है? कितनी संख्या में ये लोग मौजूद थे?
इसमें करीब 8-10 लड़के थे जो पहचान के रूप में खास तौर पर जो नारे लगाए जा रहे थे, कॉलेज का हर शख्स जानता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है, और जो गुंडागर्दी की जा रही है वो कैमरे में कैद है। अगर मतलब अगर इसमें पुलिस अगर एक बात करे कि हमको पता नहीं है कभी अपराध हो गया तो कैमरे में कैद है, अगर सिर्फ इस वायरल वीडियो का कॉग्निजेंस पुलिस ले ले, एक बार जो प्रोफेसर है उनका बयान पुलिस दर्ज कर ले, तो इसमें पुलिस कार्रवाई होने में वक्त नहीं लगेगा। लेकिन सवाल वही है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और अब इस मामले में सिर्फ ये कहा जा रहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। बिल्कुल मनोज, तो यहाँ पर कार्रवाई होने का इंतजार है, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेंगे, फिलहाल शुक्रिया। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है जहां 3 जगह सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। जम्मू कश्मीर के गाजीकुंड, नूरबाग और बड़गाम में ये मुठभेड़ चल रही है। गाजीकुंड में मुठभेड़ के समय सुरक्षा बल ने एक आतंकी को ढेर कर दिया, जबकि हमले में एक जवान शहीद हो गया। वहीं नूरबाग में एक नागरिक के भी मारे जाने की खबर है। जानकारी के मुताबिक आतंकी श्रीनगर एयरपोर्ट पर हमले की फिराक में थे, लेकिन सुरक्षा बल ने उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया। कश्मीर में 3 अलग अलग जगहों पे इस वक्त एनकाउंटर चल रहे हैं। साउथ कश्मीर में भी एक एनकाउंटर चल रहा है जो गाजीगुंड एरिया है, डूरू एरिया में पड़ता है, वहाँ पे मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान एनकाउंटर जारी है। यहाँ नूरबाग इलाके में जो श्रीनगर का इलाका है वहाँ पे भी एनकाउंटर जारी है और वहाँ पे एक शख्स के मारे जाने की खबर आ रही है, हालांकि उसकी अभी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई है। कुछ सूत्र ये भी बता रहे हैं कि शायद वो एक सिविलियन है। और साथ ही बड़गाम एरिया में इस वक्त एनकाउंटर जारी है जो पांजन का एरिया एयरपोर्ट के साथ में पड़ता है। कुछ सूत्र ये भी बता रहे हैं कि वहाँ पे मिलिटेंट जो है एयरपोर्ट पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, और कुछ सूत्र ये भी बता रहे हैं कि शायद कुछ वो SPOs को टारगेट बनाने की कोशिश में थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है एरिया में पूरा कॉर्डन है, अभी फायरिंग हो रही थी, इस वक्त फायरिंग का सिलसिला यहाँ रुका हुआ है। सारे जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं वो बंद कर दिए गए, कमरवारी का एरिया क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव एरिया रहता है और यहाँ पे पथराव का भी खतरा रहता है। और फिलहाल यही कहा जा सकता है कि जो रिसेंट किलिंग हुई SPOs की, उसके बाद ये पहली बार जो है 3 अलग अलग जगहों पर एनकाउंटर हो रहे हैं जिसमें श्रीनगर, बड़गाम और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। और साथ ही इंटरनेट सर्विस जो है वो ब्लॉक कर दी गई है, पहले ही कुछ एरियाज में इंटरनेट सर्विस ब्लॉक कर दी गई थी, लेकिन ये जो एनकाउंटर शुरू हुए उसके बाद सभी जगहों पे जहां जहां एनकाउंटर शुरू हुए हैं तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है। फिलहाल तीनों जगहों पे ऑपरेशन जारी है, अब देखना ये होगा कि टोटल कितने मिलिटेंट्स हो सकते हैं। कुछ सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पांजन एरिया में 3 से 4 मिलिटेंट्स हो सकते हैं, और यहाँ पे जो बताया गया 3 मिलिटेंटों की खबर सिक्योरिटी फोर्सेज को यहाँ नूरबाग एरिया से मिली थी। और साथ ही जो अनंतनाग का एरिया है वहाँ पे जिस जो एनकाउंटर जारी है उसमें एक फौजी जवान की मौत हुई है और एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है। कैमरामैन शफी के साथ रिफत अब्दुल्ला, न्यूज़ 18 इंडिया, श्रीनगर। के बाद जो काजीगुंड और डूरू के इन बिटवीन ये इलाका आता है इसका मुहासरा किया है, और आप देख सकते हैं कि फौज, CRPF और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई के तहत ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। और ज़राए के मुताबिक एक मुस्तदका इतला मिलने के बाद ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, और जिस दौरान मिलिटेंटों के साथ फोर्सेस का कांटेक्ट हो गया और इस गोलाबारी में एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर अभी तक मौसूल हुई है। और मैं आपको बता दूं कि ये एक स्पेसिफिक इनपुट था जिसके बाद ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे इलाके को कॉर्डन में लिया गया है और तलाशी कार्रवाई जो है वो अभी भी जारी है। और जितने भी इस इलाके के मुतसिल आसपास जो इलाके हैं वहाँ पर भी कॉर्डन शुरू किया गया है, और ये बताया जा रहा था कि 2 से 3 मिलिटेंट एक रिहायशी घर में मौजूद थे जिसके बाद ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया। गाजीगुंड अनंतनाग से न्यूज 18 के लिए मुदस्सिर कादरी। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, गाजीगुंड, नूरबाग और बड़गाम की तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर मुठभेड़ जारी है। और बताया गया कि आतंकियों के निशाने पर श्रीनगर एयरपोर्ट था, यहां पर एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है सुरक्षा बलों ने, हालांकि इसमें हमारा एक जवान शहीद हो गया है जबकि एक आतंकवादी मारा गया है। इसके अलावा अगर हम नूरबाग इलाके की बात करें तो यहाँ पर एक सिविलियन की भी मौत हुई है। बड़गाम में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया है और अभी भी ऑपरेशन चल रहा है।